शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त देके हमारे स्कूल में जो फ्री आई कैंप का सम हाइजीन सैनिटेशन इस पर मैंने पहले एक दिन लेक्चर दिया, फिर हफ्ते के बाद दूसरा लेक्चर एम्प्लाई हो गया तो मेरा हुआ। तो गाइस ये है गुड़ाकर स्कूल का व्यू। तो आई चेकअप से पहले यहाँ का व्यू देखते हैं। तो व्यू इस प्रकार से है यहाँ का, ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है। तो गाइस सबसे पहले हम एक बात करते हैं, यहाँ अभी सुबह का टाइम है तो बच्चे आ ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर आई चेकअप के लिए। तो चलिए मॉर्निंग असेंबली करते पहले। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। तो गाइज अब फाइनली मॉर्निंग असेंबली के बाद चलते हैं आई चेकअप की ओर, तो चलिए आप भी। तो गाइज यहां पर छोटे छोटे बच्चे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो ये है प्री आई टेस्टिंग कैंप एट हायर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा का। तो ये कैंप राजकुमार कोतवाल की ओर से लगाया जा रहा है, तो सभी स्वागत के लिए खड़े हैं। तो अभी प्रिंसिपल साहब और राजकुमार कोतवाल साहब रिबन को काटेंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। तो गाइस फाइनली रिबन को काट लिया गया है, तो अभी हमारे प्रिंसिपल साहब और राजकुमार साहब छोटी छोटी कन्याओं की पूजा कर रहे हैं। तो अब फाइनली आई चेकअप का काम शुरू होने वाला है कुछ ही टाइम बाद, तो फिलहाल चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइज यहां पर सेटिंग कर ली है, यहां पर दवाइयां और सभी जो जरूरी चीज़ें रखी हुई हैं। इस साइड स्क्रीनिंग के लिए मशीन फिट कर दी गई है। तो गाइज अब जानते हैं राजकुमार सर और प्रिंसिपल सर के विचार। डॉक्टर साहब का आरके कोतवाल जी का बहुत दिल से, दिल के उम्मीद गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त देके हमारे स्कूल में जो फ्री आई कैंप का जो आयोजित किया है, हम इस पर आपके और हमारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आपको दिली अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम और आगे करते जाएं ताकि इस फार फ्लंग एरिया में बच्चों के फार फ्लंग जैसे बैकवर्ड एरिया बैकवर्डनेस की वजह से लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, किसी के आई साइट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो आपने कैंप यहाँ आयोजित किया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका और आपके पूरे परिवार के लिए हम दुआएँ कर सकते हैं कि आप आगे भी ऐसी हिम्मत आपको ऊपर वाला ईश्वर बनाए रखे और हमारे बच्चों की और पूरे इलाके के जो भी लोग आएंगे उनकी हिम्मत मदद हो जाएगी। हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, बल्लभ थैंक सर। मेरा विचार था पिछले एक साल से कि मैं लगाऊँ, हालांकि पिछले साल में यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन पे दो मैंने लेक्चर दिए थे बच्चों को, एक पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन पे और दूसरा एक आँखों की बीमारी है एम्बलियोपिया, उस पर मैंने बच्चों को लेक्चर दिया था और बच्चों को समझाया था ये बीमारियाँ कैसे होती हैं, उनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन इस पर मैंने पहले एक दिन लेक्चर दिया, फिर हफ्ते के बाद दूसरा लेक्चर एम्बलाई हो गया तो मेरा हुआ था। तो मेरे मन में विचार फिर यहाँ पे प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल आबिद सर से जब मेरी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा आप कैंप ही लगाओ, तो इनके आह्वान पे मैंने आज ये कैंप यहाँ पे आयोजित किया, क्योंकि मेरे इनके साथ मेरी काफ़ी एक साल से इंटरेक्शन हो रही है और ये काफ़ी स्कूल की इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए और स्कूल के बच्चों का जो वेलफेयर है उसके लिए ये काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं,
और इन्होंने मुझे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया कि आप खुद ही आओ और मेरे बच्चों को यहाँ पे चेक कीजिए। तो इस उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ी तबीयत भी खराब है लेकिन आया हूँ, फिर भी जम्मू से अपना सामान लेकर आया हूँ और साथ में मेडिसिन बच्चों को फ्री दे रहा हूँ। जो भी बच्चे स्क्रीनिंग में जिनको कोई डिजीज़ होगी उनकी हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे और जहाँ यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो सकेगा मेरे से तो मैं करूँगा। अगर उनको कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो उनको रेफर करूँगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा मेडिकल कॉलेज डोडा या फिर GMC जम्मू का रेफर करूँगा। तो ये बेसिक एम है मेरा, तो बच्चों को एट द डोर स्टेप्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करूँ। और मेरी दिली ये तमन्ना भी थी, ख्वाहिश थी कि क्योंकि इस स्कूल का मैं प्रोडक्ट रहा हूँ, मैं नंगे पांव स्कूल में पढ़ा करता था, मुझे अपना बचपन याद है, फिफ्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड में नंगे पांव यहाँ पे पढ़ा हूँ। तो मेरी अटैचमेंट मेरे रूट्स इस स्कूल पे जुड़े हैं और मैं काफ़ी अब फ्यूचर में भी कोशिश करूँगा कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए मैं इनको एक प्रॉपर गाइड भी करूँ, एज ए गाइड भी काम करूँ और एज ए डॉक्टर भी इनकी सेवा करता रहूँ। थैंक्स। तो गाइस फाइनली आप शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई, आप भी बने रहिए, तो हम भी बने हुए हैं आपके साथ। तो गाइस ये है बच्चों की भीड़, सबसे पहले छोटे बच्चों का चेकअप होगा, उसके बाद बड़े बड़े बच्चों का चेकअप होगा। तो गाइस बने रहिए। तो गाइस बड़े बड़े बच्चे तो फिलहाल क्लासों में हैं, तो उनको भी बुला लेंगे टाइम से। इसका लिखना एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, ये जो पहले गई ना एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस। किधर और नाम लिखा हो अपना, क्या नाम? राजा नाम बी एस नाम नहीं लिखा।